बैग लगाया। चल बैठ। वो बैठ जाए ना पीछे, बैग लेके बैठ बेटा। गाड़ी पर से गिर जाएगी नीचे। गिर जाएगी, लग जाएगा, पाँव टूटेगा। ये मेरी बहन है जो स्कूल जाने जाने का नहीं बोल रही है। A few moments later. अच्छी अरे स्कूल जाने के वक्त गीत इतना रो रहे थे, स्कूल से आए तो एकदम ठीक है, अच्छी थी। कल कल भी स्कूल जाएंगे ना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों? नहीं। थोड़ी सी देर तो रहती है, अपन जल्दी जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। नहीं, नहीं। 2000 years later. हमारे इधर कभी भी केक आता है और कोई भी बर्थडे मनाता है, और लेकिन इस बार सच्ची में हमारे छोटे मामू का बर्थडे था तो केक आया और हमने सेलिब्रेट किया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। The next day. ये देखिए अब हमारी छोटी बहन उनके अब्बू के साथ जा रही है तो कितनी रिलैक्स है, कोई तकलीफ नहीं। शायद उनको स्कूल में कोई चॉकलेट विकलेट दिए ले या फिर उनके अब्बू ने उनको कुछ बोले। हाँ जाओ जाओ अब, लेकिन हमेशा ऐसे ही जाना। बैठना बहुत पसंद है, रिक्शा में बैठना पसंद है। हाँ, लेकिन सिर्फ विंडो के साथ। हम कब्रिस्तान के पास से गए जहाँ पे ईदगाह भी और हमारे नाना जान भी वही है। अभी हम पहुंच चुके हैं गार्डन। ये गांधी गार्डन है, चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। और जब भी हम गांधी गार्डन आते हैं हम इस चीज को तो बराबर देखते हैं। गाइस ये लोटस के प्लांट्स है, इसके अंदर छोटी छोटी फिशेस भी दिखती है, टैडपोल्स भी दिखते हैं। और अभी हम खेलने वाले एरिया के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये माता मरियम स्लाइड करने के लिए जा रहे हैं, ये मैरी ना चुके और ये स्लाइड हो गई, पीछे माँ जा रहे और ये उनकी स्लाइड हो गई। अरे मैरी पे गिर जाएंगे। हाँ चलो चलो चलो, वाह चलो ठीक है। ये झूला मैरीन को बहुत पसंद आया, इसके अंदर से वो उठ ही नहीं रहे थे बहुत देर तक करे। और हम इधर बड़े ग्राउंड के अंदर खेल रहे थे रनिंग्स वाले गेम। ऐसा मैदान हमारे इधर बहुत कम होता है, यानी होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने फुटबॉल लाने की कोशिश की लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने हमें मना कर दिया फुटबॉल लेने के लिए। लेकिन आपने उसको पर से पकड़ा, उसका पर टूट गया। इब्राहिम भाई ने इधर ड्रैगन फ्लाई पकड़े और ये बहुत सारे थे वहाँ पे। अभी हम दिखाते हैं आपको एक कितने सारे थे, ये देखिए पूरी दीवार पे चिपके हुए थे। अरे भाई छोड़ छोड़, लैटरिन कर देगा। मैंने भी एक दो पकड़े थे। और आपको जैसे कि मालूम है हम जब भी आते हैं ये फेस वाली लंबी स्लाइड तो करते ही है, इसमें बहुत तेज जाते हैं और हमको मजा आता है बार बार करने में। इस स्लाइड को महरीन ने भी बहुत ज्यादा इंजॉय किया और हम तो बार बार कर रहे थे, सिर्फ बार बार निस्तवा बहुत अच्छी है। इस पे हर बार जब भी हम आते हैं हमको बहुत मजा आता है। तलवाई की बारी। ऐसी बात है कि मजा तो सब में आता है लेकिन हम साथ में एंजॉय करते हैं तो और मज़ा बढ़ जाता है, इसलिए हम हर बार साथ में आते हैं। गार्डन ये स्लाइड बहुत तेज थी इसलिए बिलाल को आने से डर लग रहा था, लेकिन हम तो बहुत तेज आ रहे थे।
साइकिल को हम बड़े लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत छोटी हो चुकी है हमारे लिए, इसको छोटी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मेरी मरियम माज ने झूला लिए और फिर हमारा गार्डन का सफ़र ख़त्म हुआ। और मेरिन को ये झूला लेने में इतना मज़ा आ रहा था कि वो उतर ही नहीं रहे थे और मरियम को बारी ही नहीं दे रहे थे। फिर जैसे तैसे करके मरियम मेरिन को उठाया और फिर मरियम को बिठाया। फिर मरियम के बाद आ गई थी माज की बारी और माज ये झूले पे सड़क जा रहे थे क्योंकि प्लास्टिक वाली झूला था। ये बहन झूले पे बैठी है तो उतरने का नहीं चुके थी। अब जा रहे हम बात चटर कर रहे हैं। हम जब भी गार्डन में आते हैं और जब गार्डन से जा रहे होते हैं हम बाहर जाके खेलों के ऊपर तो चटर पटर करते ही है। जैसे अभी हम गोला खाने जा रहे हैं, गोले वाला नहीं था इसलिए हमने आइसक्रीम खा ली। आइसक्रीम खा रहे हैं। और हमारे पास अभी आइसक्रीम आ चुकी है, सबने अलग अलग फ्लेवर्स लिए और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत गर्म हो रहा था क्योंकि हमने बहुत खेले थे गार्डन के अंदर, इसलिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम हमको बहुत अच्छी लग रही थी। आइसक्रीम खाने के बाद हम चले गए दादा के घर पे और दादा के घर पे एक कटिंग चल रही थी एक बादाम के पेड़ की। वहाँ के सारे ट्री की कटिंग चल रही थी और वहाँ पे बहुत लकड़ियाँ पत्ते थे। फिर गार्डन के अंदर मगरिब हो चुकी थी तो हमने दादा के घर पे आके मगरिब की नमाज़ पढ़ी। हम सब ने मगरिब और ईशा दोनों पढ़े। ये साल तो दादा जान के घर पे बहुत गड़बड़ चल रही थी, झाड़ काटे आ रहे थे और बहुत सारे काम थे। आपको बीच में मशीन की भी आवाज़ आ रही होंगी, ये वही झाड़ काटने वाली मशीन की आवाज़ है। The next day. मैं सबके सब बड़े वाला, मैं सबके सब बड़े तो इनका बर्थडे था उधर, तो इनको भी अपने बहन भाइयों के साथ बर्थडे, मास को सब बहन भाइयों के साथ बर्थडे मनाना था, इसलिए हम सब बहन भाई मना रहे हैं मास के साथ बर्थडे। हाँ देखिए, जैसा कि आपने सुना मास को उनके बहन भाइयों के साथ बर्थडे मनाना था तो यहाँ पे भी हमने उनका डबल से बर्थडे मनाया। वैसे तो मार्च का बर्थडे मार्च में आता है लेकिन अब उनकी ख्वाहिश थी कि हम डबल से बर्थडे मनाएंगे हमारे बहन भाई के साथ, तो हमने बर्थडे मनाया और फिर उनको मुंह पे लगा दिया बर्थडे का क्रीम। ये लगाने में ना बहुत मजा आता है। ऊपर देखो ना, यही तो चाहते थे बेटा आप। Happy birthday, Mars. यहाँ पे मेरिन रोबोट बनने की एक्टिंग कर रहे हैं और इन दोनों का तो कभी भी खेलना शुरू हो जाएगा। इस टाइम तो एकदम डेंजर मस्ती के मूड में आ गए थे और इनकी मस्ती एकदम जोरों पे थी। बस बस ये सब बहुत मस्ती कर रहे थे इसलिए नानी ने बोले चुपचाप मूवी लगाएंगे कंप्यूटर के ऊपर और सब चुपचाप बैठ के देखेंगे। और मैक्सिमम टाइम हम सब मिलके ऐसी मूवी लगा के देखते रहते हैं। पता नहीं है सर, मार्च को इतनी पसंद आई हैरी पॉटर मूवी के हर दो दिन के बाद हैरी पॉटर मूवी देख रहे थे। कमाल की बात ये है वो है दिखते भी हैरी पॉटर जैसे। आप हमें देख नहीं रहे, ज़्यादा व्यूज़ नहीं दे रहे। थैंक यू हमारे 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए, और बढ़ाइए हमें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें देखिए ताकि हमारे व्यू बढ़े। थैंक यू। क्यों आज तो मज़ा हो गई, नानी जान ने हमको मार्च को हमारे मियाँ अब्बू को ईदी दी है। ये देखिए वो भी कितनी पता है, 4000। Thank you.
पर पर्सन। हमने ईद के दिन यहाँ से बोले थे कि हम वहाँ के ईदी लेंगे, और सही में नानी ने हमको, हम जब वहाँ गए हमको बहुत सारी ईदी दी है। थैंक यू नानी।